शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। अगर कोई कॉमेडियन कॉमेडी के नाम पर बेहूदगी करता है तो क्या आप भी वही करेंगे? वो धर्म का अपमान करता है तो क्या आप भी वही करेंगे? कोर्ट कचहरी, कानून कायदे, क्या कुछ भी नहीं है? या किसी एक की हरकत की वजह से पूरे देश को लड़ा दिया जाएगा, देश का माहौल बिगाड़ दिया जाएगा, दंगे करवा दिए जाएंगे, शहर शहर आग लगवा दी जाएगी? पैगंबर साहब के अपमान पर जो विवाद कुछ दिनों पहले पूरे देश में खड़ा हुआ था, जिसे पूरी दुनिया में भारत की इमेज को लेकर सवाल उठाने का मौका दिया था, जिसकी वजह से दूसरे देशों को हमारे देश में झांकने का मौका मिला था, वो विवाद फिर खड़ा हुआ है। और वजह एक बार फिर से बीजेपी का एक नेता धर्म के अपमान की एक कॉमेडी रेस की वजह से एक बार फिर से सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, जो बड़ी मुश्किल से ठंडे हुए। फिर से दो समुदायों में तनाव पैदा करने की साजिश की गई है। फिर से कुछ लोगों को सियासी चूल्हा सुलगाने का मौका दिया गया है। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कानून अपना काम कर रहा है, बीजेपी ने भी एक्शन लिया है। नुपुर शर्मा की तरह राजा सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि ये सब कुछ तो बीजेपी का प्लान है। पहले आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझिए कि आज हुआ क्या है। सत्ताईस मई को बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के हजरत पैगंबर पर बयान से जो विवाद उठा था, ये उसका सेकंड राउंड है। सिर्फ किरदार बदला है, निशाने पर इस बार नुपुर नहीं, तेलंगाना से बीजेपी के विवादित विधायक टी राजा सिंह है। राजा सिंह हैदराबाद में विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो रुकवाना चाहते थे, इसलिए धमकी दे रहे थे। लेकिन जब नहीं रुकवा पाए और हिरासत में ले लिए गए, तो छूटते ही जैसे को तैसे की तर्ज पर खुद कॉमेडी शो बना डाला और वायरल कर दिया। वो भगवान का अपमान करे तो फिर मैं क्यों ना करूं, कुछ इस तरह के लॉजिक के साथ। राजा ने इस वीडियो में जो बोला भावनाएं भड़काने के लिए काफी था। हुआ भी वो, हैदराबाद में कांग्रेसी नेता ने भीड़ जुटाई, भीड़ ने नारे लगाए सिर तन से जुदा। कांग्रेस नेता ने धमकी भी दी कि राजा को गिरफ्तार नहीं किया तो घर जला देंगे, मरने मारने से भी पीछे नहीं रहेंगे। कोई माफी नहीं मांगने वाला, ना तो मैं कोई बयान वापस लेने वाला। तो 24 के दिन राशिद खान सारे मुसलमानों के साथ गोशा महल, जो राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए की, वहां पर दाखिल होके राजा सिंह का घर जला देने की बात। तनाव बढ़ा तो राजा ने बयान दिया, उल्टे पूछा मैंने कब किसी का नाम लिया। రాముడి కి ఫాలో చేసే వాళ్ళు విలువ లేదు తెలంగాణలో, రాముడి కి తిట్టే వ్యక్తులకి విలువ ఉంది, అదే మీరు సందేశం ఇస్తున్నారు కదా, అందుకోసం నేను చెప్పినా। और फिर इस मजहबी सीन में असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री ली, कहा इन सारे फसादों के पीछे बीजेपी है, वही सब कुछ करा रही है मुसलमानों को दबाने के लिए और डराने के लिए। कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है, भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। नूपुर को लेकर बैकफुट पर रही बीजेपी भला राजा सिंह को क्यों बचाती? फौरन पल्ला झाड़ा, एक ऑर्डर निकाला और राजा सिंह पार्टी से सस्पेंड। बचाओ का तो सवाल ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरएसएस आइडियोलॉग रतन शारदा जी हैं, हमारे साथ डीएचपी के स्पोक्स पर्सन विजय शंकर तिवारी हैं, मुफ्ती वजाद कासमी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद खान हैं। राशिद खान, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, टी राजा सिंह के खिलाफ एक्शन हुआ है लेकिन उसके बाद उनके विवादित टिप्पणी को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से जो बयानबाजी हुई वो भड़काऊ नहीं तो क्या मानी जाए? देखिए, टी राजा सिंह गोशामेल का जो एमएलए है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और ये चीज पहली बार नहीं हुई उसके जानिब से। माजी में आप जाके देखेंगे, उन्हें दुश्मन इस्लाम है, हर वक्त हमारे मसाजिदों पे निशाना तानता है, मुसलमानों के बारे में अला फला लफ्ज इस्तेमाल करता है, और आज गुस्ताखे नबी
बन गया फिर वक्त और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा। अब आप मेरे को ये बोलिए क्या लॉ एंड ऑर्डर उसको नहीं है, उसको पहले हिरासत में लेना चाहिए, उसको रिमांड करना चाहिए, फास्ट ट्रैक के, सुनिए सुनिए, अभी कहां है वो? बेशक बोलारम पीएस में है, मगर ये पहली टाइम नहीं हुआ। हर वक्त उसको पुलिस अरेस्ट करती है, दो तीन घंटे के बाद छोड़ देती है। तो राशिद खान का मुतालिबा है, अब जब अरेस्ट हुए हैं तो उसको रिमांड पर भेजना चाहिए, फास्ट ट्रैक के जरिए से अंडर ट्रायल कराना चाहिए, उसको पीडी एक्ट में बुक कराना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर्ड है। आप कानून को अपना काम करने देंगे सर? इस देश में कानून काम कर सकता है, आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी उसके लिए। यही वजह है कि मैं जब कंप्लेन दिया, मैं बोला कि 24 घंटे तक हम इंतजार करेंगे, अगर से राजा सिंह को हिरासत में नहीं लेंगे, रिमांड को नहीं भेजेंगे, तो हम गोशा महल में, हम पूरे मुसलमान गोशा महल में दाखिल होकर इसका घर जला देंगे। हम कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार है, मगर ये बात है कि हमारे को कानून पे अभी भी एतबार है, अभी भी 24 घंटे पूरे नहीं। आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले सर? देखिए हमारी आस्था को लगातार हर्ट करते जा रहा हूँ शाह। आपको ये परमिशन किसने दी इस देश में कानून व्यवस्था पर? आपको एक सेकंड, इस देश की कानून व्यवस्था पर आपको भरोसा है या नहीं है? अगर से देखिए ये देश का कानून अगर से मुसलमानों के लिए सच्चा है तो उसको रिमांड में भेजिए, दर्ज हो गया ना। एक सेकंड, इसमें भी आप मुसलमान कैसे ले आए? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंशिएट किया है क्या? इस देश का संविधान ने डिफरेंशिएट किया है क्या? जमीन की इज्जत करते, तिरंगे की इज्जत करते, मगर हमारे को अभी भी एतबार है कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे अभी भी एतबार है, इंसाफ पे है जी। इज्जत करके एहसान नहीं कर रहे हैं सर, हर भारतीय का फर्ज है, मेरा भी फर्ज है और आपका भी फर्ज है हर भारतीय का। देखिए बेशक फर्ज है, तो फिर कानून का भी फर्ज है, हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, तो कानून आपके हाथ में लेंगे, कानून अपना काम कर रहा है ना जनाब। बेशक कानून अपना काम कर रहा है ना, आपने खुद बताया कानून अपना काम कर रहा है, तो आप कौन होते हैं? तो हम 24 घंटे तक भड़काने वाले, आप कौन होते हैं उकसाने के लिए? नबी की बात आ जाती तो हम अपना सर खलम कर लेते, हम अपनी जान और माल को कुर्बान कर लेते, जब नबी की बात आ गई ये पूरी कायनात को कुर्बान कर लेते, हर चीज को कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। बस सवाल ये है कि कोई सही बता रहा है क्या? गुस्ताखी को कोई सही बता सकता है? सही बता सकता है उसके साथ? देखिए खड़ा है वो के नहीं खड़ा हो सकता है, हिंदुत्व की सोच के लोग हैं ये। आप क्या किसको भड़का रहे हैं और क्यों भड़का रहे हैं, मुझे बस इतना बताइए। बीजेपी जमात हर दिन से लोगों को भड़का रहे हैं, क्यों भड़का रहे? हमारी आस्था को तकलीफ हो रही है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निशाना कोई तान रहा, हमारे मुसलमानों पे निशाना तान रहा, हमारे मस्जिदों पे निशाना तान रहा, इस्लाम के ऊपर निशाना तान रहा, और खामोश बैठना। हमारे पूरे तवक्को है कि अभी भी भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंसाफ मिलना हमारे को। कोई सही नहीं ठहरा सकता, इस देश का कोई भारतीय, इस देश में रहने वाले भारतीय कोई इसको सही नहीं ठहरा रहा, और आप इस पर राजनीति चमका रहे हैं, भड़का रहे हैं आप, आस्था की बात है, भड़का रहे हैं मुसलमानों की, देश को कितना बदनाम कराएंगे सर, आपने कोई बात बोली, निपुण शर्मा अरेस्ट किए, आप मेरे सवाल का जवाब, निपुण शर्मा अरेस्ट हुई नहीं हुई अरेस्ट, उसका पर्दा जो फाश करा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, राशिद खान, कांग्रेस, एक सेकेंड राशिद खान, थोड़ी देर पहले कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, बेशक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक है या नहीं है पहले ये बताइए मुझे। देखिए अब निपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए, गिरफ्तारी पर रोक है या नहीं? देखिए कौन रोक डाल रहा गिरफ्तारी पर, कौन रोक डाल रहा, मेरे को ये बोलिए आप पहले, ये बताइए पहले उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है या नहीं लगाई है? कोर्ट ने रोक लगाई है। किस कोर्ट ने लगाई है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ तो फिर एक बात बोलिए, कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे आप? अगर से अब मैं ये बोला कि कोर्ट भी हिंदुत्व के चश्मे को पहन के केसों को देख रही, तो क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सच्चा हूँ? आपकी ओपिनियन से देश नहीं चलेगा ना, नहीं आप मेरा ओपिनियन हो सकता, आप क्या कह रहे हैं उससे देश नहीं चलेगा, एफआईआर रजिस्टर होगा, चलेगा देश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन आप ये जो भड़काऊ भाषा जिसका आपने इस्तेमाल किया, आप खुद, मैं उस भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, भाषा का इस्तेमाल, आप एक तरफ कानून की बात करते हैं दूसरी तरफ इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, मुझे ये बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है राशिद खान? ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है, मैं बाइज्जत मुसलमान, मेरे को पूरा फर्ज बनता, मैं ये मुल्क का शहरी हूँ,
मेरे को इजाजत देता है कॉन्स्टिट्यूशन एहतजाज करो बोलकर, और मैं एहतजाज कर रहा हूँ और मैं मांग कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या इजाजत देता है जरा मुझे बता दीजिए पहले, पहले मैं समझ लूँ आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है कि कानून को हाथ में ले लीजिए? नहीं नहीं, एक सेकेंड, देश का कानून आपको इजाजत देता है कानून हाथ में ले लो? अच्छा मेरे को एक बात नहीं, राशिद खान पहले ये बताइए, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत किसी सिटीजन को देता है कि कानून अपने हाथ में ले लो? देता है? कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। पर ये जो लोग हैं, हर दिन ये लोग आके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, और शरीयत के हिसाब से जब कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता तो उसका खतल वाजिबुल खतल है। पर हम खतल की बात नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो आप इज्जत करते, आप शरीयत तक चले गए सर, आप शरीयत को लेकर आ रहे हैं, आप शरीयत को लेकर आ रहे हैं इस मामले में। शरीयत की मैं बात कर रहा हूँ, मगर मैं कानून की इज्जत कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हैं उसकी बात सर? हिंदुस्तान की इज्जत, देखिए आप ये बोलिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, आप रिएक्शन सुनिए, आप ये बोलिए, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी जी इस देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, मुसलमानों का मामला नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, पुलिस से मेरा मुतालिबा है, रिमांड में भेजो। आप इस तरह की बात, आप मोहम्मद शाह, मोहम्मद साहब का नाम लेकर जो करने की कोशिश कर रहे हैं सब समझ आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, सब समझ नहीं आ रहा। कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। एक जवाब दे लीजिए रतन शाह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कॉमेंट नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं प्लीज। किस तरह से फिर? कानून हाथ में लेकर नहीं, और ना ही मैं टीवी पर आपको कुछ ऐसा कहने दूंगी जो कानून के खिलाफ जाता हो, ये आप समझ लीजिए राशिद खान, बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, क्लियरली समझ लीजिए। मुझे कांग्रेस पार्टी के एक्शन का इंतजार रहेगा, कांग्रेस पार्टी के एक्शन का इंतजार रहेगा। राशिद खान जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, रतन शारदा सुन लीजिए प्लीज। राशिद खान वाजिबुल बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि शरिया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, इन्होंने स्पष्ट बता दिया वो मुसलमान पहले हैं, बाद में कांग्रेस या बाद में इस देश के नागरिक हैं। ऐसे लोग देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन्होंने जो जो बातें कही आपने सब सुनी, सारे दर्शकों ने सुनी, सब उस पर गौर करें। इनकी भाषा बताती कि कांग्रेस के सदस्य हो नहीं सकते, लेबल गलत लगा ऐसा मुझे लगता है। खैर अभी मैं इनकी बात करूं, पहली बात करूं कि राजा का जो बयान है मैं बिल्कुल उससे उसको नहीं मानता, बिल्कुल गलत है, गैर जरूरी था, कोई आवश्यकता नहीं थी, और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। अब बात आई है दूसरी पर, सामने मुनव्वर फारूकी है जिसने भारतीय देवी देवता का अपमान किया, ये कह रहे हैं ना कि हमारे देवी देवता का अपमान मत करो, मोहम्मद का अपमान तो वाजिबुल कत्ल है, तो शिवजी का अपमान, यही सब जो रूपुर शर्मा के पहले 15 दिन चल रहा था तमाशा टीवी पर सोशल मीडिया पे, क्या इन्होंने किसे है? अरे आप चुप रहिए, बहुत बोलिए आपने, नहीं नहीं नहीं, आप पहले पूरा आप होमवर्क करके बात करिए, आप गलत बोल रहे हैं। हम हिंदू मजहब का भी एहतराम करते हैं, हिंदू मिनट से बकवास कर रहा है देश के विरुद्ध, तो शांत करिए जरा। आपने कांग्रेस से पूछा, कांग्रेस जब कहा आपके राहुल गांधी ने कहा, मुझे मजबूरी डाउन कराना पड़ेगा सर प्लीज। आप जब बोल रहे थे राहुल गांधी, आप जब बोल रहे थे किसी पैनलिस्ट ने कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे बात की, सुन लीजिए, आप इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए अपनी बारी का, जल्दी राहुल गांधी रतन शारदा जी की आवाज प्लीज। उन्होंने कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, इनके कांग्रेस वालों ने केरल के अंदर बछड़ा काट के बांटा सरे आम, तब किसी का जान नहीं जली? जब शिवजी का अपमान किया गया 15 दिन किसी की जान नहीं जली, क्योंकि हिंदू कानून पालता है, हिंदू कोर्ट में जाता है, हिंदू पुलिस में जाता है, वो ये नहीं कहता 24 घंटे के अंदर मुझे हरकत चाहिए। भाई साहब ये शरिया कानून नहीं है, शरिया का देश नहीं है, ये पहले स्वीकार करिए। हम किसी को कभी, हमने किसी को इसके बारे में कभी हमने सही नहीं कहा, जब भी गलत बात हुई है। आप क्या हैदराबाद के अंदर आप चाहते हैं एमएम के साथ मुकाबला करना, इसलिए ऐसी गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? और आपको राजा से प्रॉब्लम है कि राजा अकेला है जो आपके सारे पाकिस्तान के अंदाजे से हैदराबाद खड़ा रहता है। मैं उसके करीब का साथ ही उसको जो वो खड़े रहने की हिम्मत है उससे आप जलते हैं, इसलिए आप उसको भी निशाना बना रहे हैं। और मुझे मैं मुनव्वर फारूकी जब आया आपके यहाँ के सीएम ने क्या कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई साहब, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, आइए हमारे यहाँ के कुछ भी गालियां दीजिए, भगवानों को गालियां दीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो फिर इसने जो कहा सुन लीजिए राजा ने कहा, लेकिन नहीं,
केवल प्रॉफिट को गालियां दी नहीं चलते, हिंदू समाज का जितनी मर्जी इंसल्ट कर लो वो सबको हजम हो जाता है वो, क्योंकि शांति से केवल कोर्ट में जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, इसलिए आपकी जबान इतनी खुलती है। कृपया इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें और ये संविधान के विरुद्ध सत्संजता ठीक है, संविधान के विरुद्ध है और संविधान के विरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उनसे जो खास बातचीत हमारी रही जी न्यूज से, उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए। बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के विवादित बोल पर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ वो कानून के शिकंजे में हैं, कानून के घेरे में हैं और कानून अपना काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और सियासत जो है वो उबाल पर है। हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर, वक्त देने के लिए आपका और शुक्रिया। लेकिन मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो स्ट्रेट एंड सिंपल है। सवाल यही है कि टी राजा सिंह के स्टेटमेंट पर, विवादित बोल पर एआईएमआईएम का स्टैंड क्या है? मैडम, मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आप एक बार सुन लीजिए और आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कितना गंदगी, कितनी बकवास और एक डेलिबरेट अटेम्प्ट किया गया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने के लिए। और मैं नुपुर शर्मा के वक्त भी आपसे कहा था कि ये भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है, मगर भाजपा जो देश की बदनामी हुई थी नुपुर शर्मा के अनाप शनाप बकने के बाद, उससे सबक हासिल नहीं करना चाह रही है, बल्कि उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि मुसलमानों से नफरत करो और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके स्पोक्स पर्सन हो या उनके विधायक हों, वो अनाप शनाप और गंदगी बकते जाएँ। मैं इसका कंडेम करता हूँ और जो तेलंगाना की सरकार ने जो फैसला लिया है उनको अरेस्ट करने का, वो एक सही फैसला है और हम चाहते हैं कि उस केस को लीगली टाइट तरीके से बनाया जाए, बल्कि उनके विधायक का एफएसएल टीम के ज़रिए एक वॉइस सैंपल भी लिया जाए ताकि वो केस में मजबूती से चल सके। तो आप कानूनी तौर पर जो आपकी मांगे हैं वो रख रहे हैं यहाँ पर, और ये इस पर किसी को किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए, शक शुबे की तो गुंजाइश ही नहीं है कि मोहम्मद साहब की गुस्ताखी में की गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और सिर्फ मोहम्मद साहब ने, किसी भी धर्म की शान में किसी तरह की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रिएक्शन आए टी राजा सिंह के विवादित बोल पर, बहुत ही भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया, कानून को हाथ में लेने का इस्तेमाल किया गया, मुझे पूरा यकीन है आपने कांग्रेस नेता द्वारा क्या कहा गया, किस तरह से एक उकसावे वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? अब आप देखिए मैडम के कांग्रेस का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आप किसी कांग्रेस के आदमी को बुला लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिल सकती। हमको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी राइट है, मगर संविधान के और कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। किसी को भी इजाजत नहीं है, और अगर कोई इस तरह के अनाप शनाप बकता है तो मैं उसका कंडेम करता हूं। आप उकसावे की भाषा को भी कंडेम कर रहे हैं, आप जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी कंडेम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है, अहम सवाल ये हो जाता है कि ये भड़काने की कोशिश, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश या साजिश, मुझे कहना चाहिए, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि तेलंगाना में बीजेपी जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रही थी, वो कामयाबी उनको नहीं मिल रही है। तेलंगाना में और हैदराबाद में ख़ास करके, मैडम आप कभी हैदराबाद आएंगे तो मैं, आप मेरे मेहमान रहेंगे, मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि चाहे गूगल हो, अमेज़ॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो विदेशों में कहीं नहीं खोल रहे, हैदराबाद में खोल रहे हैं। एक हैदराबाद में फार्मा का कैपिटल बन चुका है, हैदराबाद एक पीसफुल शहर है 8 साल से, तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यहाँ पर पावर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़िए ना, मगर आप अपनी सियासी लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने विधायक को क्यों इजाज़त देते हैं कि इस तरह का अनाप शनाप बके, क्यों कर रहे हैं? भाई आप केसीआर के खिलाफ हैं, बिल्कुल लड़िए, आपको लड़ने का पूरा इख्तियार है। आपका लीडर यात्रा निकाल रहा है, बराबर यात्रा निकालिए, मगर यात्रा निकाल के आप ये अनाप शनाप बक रहे हैं, गंदगी बक रहे हैं, क्यों? देखिए, एक बार अगर किसी जगह का अमन बिगड़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
और कल 12:30 बजे सुबह से सुबह 6:30 बजे तक हम तमाम लोग परेशान थे। आप देखिए, जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो इसमें रेडिकल एलिमेंट्स, इसमें ऐसे लोग घुस जाते हैं जो शहर के अमन के दुश्मन हैं। लोग जज्बाती हो जाते हैं कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमको। कोई हमारा पार्टी का मेंबर हो या शहर के जितने जिम्मेदार लोग थे, वो परेशान थे, तकलीफ में थे, रो रहे थे कि भाई इसने ऐसा क्यों कहा। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ सर, और मुझे पूरा यकीन है इस देश में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस चिंता को समझ सकते हैं, जो अमन और शांति पसंद हैं। लेकिन टी राजा सिंह ये कह रहे हैं कि उनका, एक तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मोहम्मद साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वो प्रतिक्रिया है, उनका जो स्टेटमेंट है वो रिएक्शन है, वो मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो आवाजें क्यों नहीं उठती, उन्हें उनका गुस्सा इस बात के खिलाफ है। देखिए मैडम, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि बकवास और गंदगी का जवाब बकवास से नहीं हो सकता, गंदगी से नहीं दे सकते। अगर कीचड़ पर या गंदगी पर पत्थर मारेंगे तो सब पे गंदगी उछलेगी ना। अगर आपको लगता था कि एक कॉमेडियन ने अनाप शनाप बका तो आप कानून के दरवाजे पर जाइए, आप कंप्लेन दीजिए, इस्तेमाल करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हमने कंप्लेन दी और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। मगर अगर एक कॉमेडियन कहता है तो आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकेंगे, गंदगी बकेंगे। आप क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं भारत के मुसलमानों को इस तरह की? इससे साफ जाहिर हुआ था कि आप कॉमेडियन को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत की सोशल फैब्रिक को, तेलंगाना हैदराबाद के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। आप सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं, आप अमन चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है कि जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की टेंशन्स, जिस तरह का डिवाइड क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक बड़ी चिंता ये है सर, तन से जुदा को लेकर लगातार बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हमने बीते महीनों में देखे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी और हमारी और आपके बीच इसे लेकर काफ़ी बातचीत हुई है। अब क्या हम ये कहें जो डर, जो एक तरह की आशंका थी वो वापस आती दिखाई दे रही है, और क्या आपको डर नहीं है, क्या आपको आशंका नहीं है कि जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो मौजूदा हालात को सबोटाज कर सकते हैं? आज अखबारात में हमने पढ़ा कि रशिया में एक सुसाइड बॉम्बर भारत को आने वाला था, रशिया से, और उसमें हैरत अंगेज बात यह है कि जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे उस वक्त उनको बता दिया गया, खैर वो कल वो बात सामने आई। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना आपसे, क्या चाहती है भाजपा? आप कट्टरवाद को ना सिर्फ ऑफिशियली अपनी पार्टी से प्रमोट कर रहे हैं बल्कि सबको रेडिकलाइज करना चाह रहे हैं आप। क्यों करना चाह रहे हैं आप ये? अरे भाई, सियासी लड़ाई लड़िए ना आप। चंद्रशेखर राव से आप लड़ नहीं सक रहे तो आप अपने विधायक को बोल दिए कि इस तरह का नाप शनाप बको। आप हैदराबाद के, तेलंगाना के अमन को क्यों खराब करना चाहते हैं? पॉलिटिकल लड़िए, आपको पूरी इजाजत है, मगर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? भाजपा क्या मैसेज दे रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में? आखिर इतनी नफरत क्यों है भाजपा को मुसलमानों से? आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है ना असदुद्दीन ओवैसी जी? देखिए, एक राजस्थान के बीजेपी भाजपा के एमएलए ने कहा कि हमने इन मुकामात पर लोगों को, मुसलमानों को, उनको उनका कत्ल कर दिया गाय के नाम पर। हम देखा कि रशिया ने एक बताया कि सुसाइड बॉम्बर आने वाला था। अभी हम मैसूर से आपकी के मीडिया के दोस्त ने बताया कि किसी ने कहा कि अगर किसी की फोटो, सावरकर की फोटो को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ काट देंगे। तो ये तमाम जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका सबका कंडेम करता हूं। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये देश चलेगा और चलता आया है तो संविधान से चलेगा, और अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो, उसको डेमोक्रेसी में, कानून में कोई भरोसा नहीं है, और मैं और मेरी पार्टी उसका कंडेम करती है।
और असदुद्दीन ओवैसी, अगर आप ये बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, एक बड़ा मैसेज जाता है और उम्मीद है जो आपके समर्थक हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो भी इस मैसेज को सीरियसली लेंगे, लेकिन जो इस तरह के इस वक्त जिस तरह के माहौल हैं वो जाहिर तौर पर टेंशन बढ़ाने वाले हैं और सभी को यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था है इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ इस संवाद के लिए, इस बातचीत के लिए। तो तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के विवादित बयान पर अभी आपने सुना, आईआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को टी राजा के बयान को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता, ये हमने शुरुआत से ही आपसे कहा, लेकिन उसके बाद विरोध में जिस तरह की भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी जिस तरह की हो रही है, क्या वो जायज है? हमारे साथ कांग्रेस के राशिद खान है जो अब भी अपने भड़काऊ बयान पर आप देख और सुन रहे हैं कायम है, जिन्हें लगता है कि राजा सिंह को सजा कोर्ट और कानून के मुताबिक नहीं होनी चाहिए बल्कि इनके मुताबिक होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए जैसे ये चाहते हैं। तो ये करने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ है, जल्दी से एक कमेंट यहां पर मैं लूंगी। विजय शंकर तिवारी आपका और उसके बाद सैयद असीम वकार, जल्दी जल्दी प्लीज। देखो अदिति, हिंदुओं को भारत को लगातार डराने का, भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। नूपुर शर्मा ने बयान दिया, इसके बाद सारे देश को डराने की कोशिश की गई। अभी जो टी राजा की बात आई तो उसमें सारे देश को एक तरीके से थ्रेट करना, उनको डराने धमकाने की बात आई। आपने देखा राशिद खान ने जिस प्रकार की बात की, मुझे लगता है कांग्रेस को भी उनको बाहर निकालना चाहिए, गिरफ्तार करवाना चाहिए, पहले तो काम ये करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो मुनव्वर फारूकी अपने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, उनको उनके ऊपर विक्री करना, उनको इस प्रकार से दिखाना बोलना, और कई प्रदेशों में लोगों ने उसका बहिष्कार किया, उनके कार्यक्रम नहीं होने दे रहा था, ऐसी परिस्थिति में हैदराबाद में आखिर सरकार में, वहां की तेलंगाना सरकार में हमारे वैसी साहब भी हैं, इनकी भी सरकार है, और वहां पर उसको अनुमति दी जाती है ताकि आइए यहां की धरती से आप हिंदू के हिंदू देवी देवताओं को आप गालियां दीजिए, मजाक करिए, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों किया गया वहां पर? मैं कहता हूं किसी की भी आस्था पर चोट करना किसी के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो कोई हो। आप मुसलमानों की अपनी आस्था है, हिंदुओं की अपनी आस्था है, चर्च की अपनी आस्था है, सभी सभी वर्गों की अपनी आस्था है, सबको कष्ट होता है अगर उनके उनके ईष्ट का अपमान किया जाता है। यहां पर बार बार अपमान किया गया, मैं कहता हूं श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहकर के अपमान नहीं किया गया। सैयद असीम वकार, इस पर आपको जवाब दे रहा है सर, ये कह रहे हैं कि जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तब हिंदू आस्था को ठेस लगती है या नहीं लगती है? तब इस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं आता है? तब इस तरह की प्रोटेस्ट की आवाजें क्यों नहीं आती हैं? इतनी बुलंद आवाजें क्यों नहीं आती है? इतने सिलेक्टिव क्यों हैं हम ईष्ट के अपमान को लेकर? किसी के भी ईष्ट का अपमान जायज नहीं ठहराया जा सकता, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देखिए, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, और मुझे शर्म आई कि विजय शंकर तिवारी जैसे लोग भी देश में हैं। अगर कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है तो उसकी जगह जेल है, और अगर वो जेल नहीं जाता है तो इसमें विजय शंकर तिवारी जी आपकी कमजोरी है। आपने रिपोर्ट लिखाई, आपने प्रदर्शन किया, आप अदालत गए, क्या किया आपने? आप बैठ के गाली बकेंगे और गाली बकने वालों का समर्थन करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी को अभी आपने सुना, मैं बोल रहा हूं कि भारत में ऐसे किसी व्यक्ति की कोई जगह नहीं है जो किसी भी धर्म के इष्ट देवताओं का, भगवानों का, अवतारों का, पैगंबरों का किसी भी तरह से अगर खाली अपमान सोच रहा है तो भी जगह नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? राजा सिंह ने गलत बात की जो नाकाबिले माफी है, और मैं शुक्रगुजार हूं केसीआर साहब का, तेलंगाना की सरकार का, वहां की पुलिस का, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अमन चैन बिगाड़ने के लिए एक शुरुआत की थी। राजा सिंह कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है कि आप बच जाएंगे फ्रिंज एलिमेंट कहके, जैसे नूपुर शर्मा को जिंदल को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया था। राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी का टिकट पर कई बार का विधायक है, तेलंगाना की असेंबली में
जो तीन विधायक बीजेपी के हैं उनमें वो उन तीनों का नेता है और फ्लोर लीडर है। दूसरी बात, आप यहां बैठकर अकल लगाइए, बीजेपी ने उसको सस्पेंड किया और उसको शोकाज नोटिस दिया है 10 दिन के लिए, जवाब दीजिए। यानी बीजेपी ने उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह एक्सेप्ट किया है, माना है कि उसने गलती की है, गुनाह किया है राजा सिंह ने, और आप यहां बैठकर उसको बचा रहे। जिस पार्टी का वो नेता है वो पार्टी कह रही है यस किया इसने, आपकी पार्टी तो नहीं कर पाई थी। सही बात है, आपकी पार्टी तो नहीं ले पाई थी ना आपके एमपी पर एक्शन। नुपुर शर्मा को लेकर जो विवादित बयान दिया था सैयद असीम वकार, मुझे आपसे एक शिकायत है। आप कह रहे हैं कि आपको शर्म आती है कि विजय शंकर तिवारी जैसे लोग इस देश में रहते हैं। सर आप कौन? सर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं वो, कानून जब वो कानून का अपमान करें तब आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं आपको, तब आपको शर्म आनी चाहिए सर। नहीं नहीं सर, इस डिबेट में आप जैसे पैनलिस्ट है ना, ऐसे वो भी पैनलिस्ट है सर, ऐसे वो भी पैनलिस्ट है। और बाय द वे, जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया वो सवाल मैं आप रिपीट करती हूँ। नहीं नहीं सर, आगे बोलूं? नहीं नहीं आगे तो आप बाद में बोलिएगा, पहले सवाल का जवाब दीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि मुनव्वर फारूकी को क्यों इजाजत दी जाती है, वो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा सर, निजी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, हमले मत कीजिएगा, क्योंकि मैं दूसरे गेस्ट पर चली जाऊंगी। ये मैं आपको अभी बता, जिसने आपका जवाब नहीं, चली जाइए आप मुझे निकाल दीजिए डिबेट से। मुनव्वर फारूकी को लेकर जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आ गया सर, तो आपको बात करने के लिए बुलाया ना। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं दूसरों को, आप दूसरों को सर्टिफिकेट, जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए, थैंक यू। अरे भाई आप तो बिल्कुल जैसे घर में लोग लड़ते हैं वैसे लड़ने लगती हैं। सर कोई बात नहीं, आपको लग रहा है दूसरों से इंस्पायर्ड हो गए आप भी। आप अपने घर की बात यहाँ मत बताइए, आप अपने घर की बात टीवी चैनल पर मत बताइए। सैयद असीम वकार, उसे घर पर ही रहने दीजिए आपके, आप अपने घर पर रहने दीजिए, अपने घर की बात। कमाल कर दिया आप, चैनल पर डिबेट कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता है सवाल का जवाब है नहीं, मुनव्वर फारूकी को क्यों इजाजत दी जाती है उसके शो करने के लिए, इसका जवाब ये कमिश्नर साहब से पूछिए जाकर। और दूसरी बात, मुनव्वर फारूकी को आप कॉमेडियन मानेंगी, कोई मानेगा, मैं नहीं मानता। देखिए जो आदमी अपनी कॉमेडी में या किसी शो में गाली गलौज करे, वल्गरिटी लाए, वो आदमी मेरी नजर में तो अच्छा नहीं हो सकता। अब जिसकी नजर में होगा अच्छा होगा, मैं नहीं मानता। उनको परमिशन कमिश्नर साहब ने, पुलिस कमिश्नर ने दिया कि उनसे पूछिए आप कि किस किस बिहार पे किस पॉलिटिकल पार्टी मकसद से आपने परमिशन के आयोजन को सपोर्ट करते हैं, इसके खिलाफ है, हाँ है ना मैडम? मैं तो कह रहा हूं मैं किसी ऐसे वल्गर आदमी को ही सपोर्ट नहीं करता। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है ना, इसकी कॉमेडी में या किसी शो में या किसी बात में इस तरह के शो नहीं होने, गाली गलौज हो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। नहीं नहीं आप तो सपोर्ट नहीं करते, ये आपकी पार्टी का सपोर्ट ही नहीं करता माना जाए, किस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए ये माना जाए ना आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। नहीं कैसे कहूं बताइए मुझे, जैसे कैसे आगे कमिश्नर साहब से पूछिए, मैं देखने नहीं जाता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने नहीं जाते, वैसे ही बताएंगे आप, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और विजय शंकर तिवारी आपको जवाब दे रहे हैं, अब जवाब ले लीजिए। मैं आपसे बहुत खुल के कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। नहीं सर कोई बात नहीं, जवाब ले लीजिए। फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर भारत में कोई किसी देवी देवता का अपमान करता है तो उसके खिलाफ अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, आप रिपोर्ट लिखाइए। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आप अदालत जाइए, अदालत में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर प्रदर्शन कीजिए, एजिटेशन कीजिए। बुरा लगने की बात नहीं, नियम कायदे हैं इसमें, किसी को अच्छा है बुरा लगने की बात नहीं, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिस्पेक्ट करना होगा उसे। विजय शंकर तिवारी प्लीज देखो, हाँ आदित्य देखो भगवान राम इस देश की आस्था है, भगवान राम इस देश की आत्मा है, भगवान राम की उस जन्मभूमि को इन्होंने बाबर के साथ जोड़ा, बाबर इस देश का लुटेरा है। इसमें जब एक लुटेरे को इस देश की आस्था के साथ जोड़ते हैं तो अपमान हिंदू का नहीं होता, उसकी आत्मा को कष्ट नहीं होता। और ये आसिम वकार आप भी बोलते हैं, बार बार हिंदुओं के विषय अपमान किया और ओवैसी साहब ने भी अपमान किया। दूसरी बात, आप शिवलिंग है, भगवान शिव इस देश के आराध्य हैं, उनको आपने फवारा बोल दिया, तब देश की ये हिंदुओं की आत्मा को कष्ट नहीं हुआ? और तीसरी बात, सरकार किसकी है? मुनव्वर फारूकी सारे देश में
तैज होता जा रहा है, लोग उसका कार्यक्रम नहीं करा रहे। ये सरकार किसकी है? ओवैसी साहब उसमें सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित? उस सरकार में जब फारूकी का कार्यक्रम तय किया गया, सबको पता था कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उसको क्यों मना नहीं किया गया? आप सबकी सहमति से किया गया, यानी आप ताली बजाना चाहते थे, यानी जब हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, मुझे आप ताली बजाते हैं। बाद में आपको मंच दूंगी सर, सब गैस का मुझे एक कमेंट लेना, उसके बाद रतन शारदा जी आपको भी जवाब तो ले लीजिए इनका, इनका जवाब बाद में तो जवाब दीजिएगा, अभी एक एक कमेंट दूसरे गैस का हो जाने दीजिए सर। आपके नेताजी को 10 मिनट दिए हैं, आपको भी टाइम दिया है मैंने, और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टी राजा सिंह को ले जाया जा रहा है, हमने आपको बताया था कानून की गिरफ्त में, वो कानून अपना काम कर रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स की आप भारी संख्या में इस वक्त मौजूदगी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार राजनीति इस विवादित बोल के बाद से ही उबाल पर है। यहाँ इस डिबेट में राशिद खान मौजूद है, किस तरह की बयानबाजी की गई है, भड़काऊ उकसावे वाली, वो भी आप लगातार देख और सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ कानून भी अपना काम कर रहा है, और बार बार इस बात को दोहराते हुए कि किसी के भी इष्ट का, किसी भी धर्म के इष्ट का अपमान नहीं किया जा सकता है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून व्यवस्था उसके लिए है, कानून को अपना काम करना चाहिए। जल्दी से डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। देखिए अदिति जी, मैं बड़ी गंभीरता से सभी पैनलिस्ट की बात को सुन रहा था। देखिए कुछ दिन पहले एक बहस छिड़ी थी बड़े स्तर पर, मुझे लग रहा उसी बहस का आगाज फिर हो गया। इस बात को आप समझे कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा अदारा है। यहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ रहता है और सारे त्योहारों को मनाता है, लेकिन तकलीफ उस वक्त होता है कि जब टी राजा जैसे लोग आकर के किसी धर्म की जो जिस पर आस्था है पैगंबर पर, उसका मजाक उड़ाते हैं। नुपुर शर्मा जैसी एक महिला मजाक उड़ाती है, ये अफसोस है। आखिर ये बीजेपी इस मुल्क में क्या कराना चाहती है? ये मुल्क बहुत ही अमन और चैन पसंद मुल्क है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है 2014 से, लगातार इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखिए आज इस तरीके का जो हालात पैदा किए गए, ये वाकई में दुखद है। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब के किसी भी ईस्ट का किसी भी तरीके का कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। अपमान करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित, इसका मतलब ये हुआ कि आपस में आप नफरत का माहौल, नफरत का माहौल फारूकी को लेकर अभी जो विजय शंकर तिवारी आरोप लगा रहे थे उन पर आपका क्या जवाब है? मुन्ना पर फारूकी को बीच में क्यों ला रहे आप? क्या ये बयान से मुनव्वर फारूकी का लेना देना क्या है ये? अच्छा, बुरा लग गया आपको, इतना बुरा लग गया, बोले तो नहीं है। उन्हीं की प्रतिक्रिया में ये वीडियो की बात कर रहे हैं टी राजा सिंह, आपको पता होना चाहिए। नहीं, आपको बुरा क्यों लग रहा है इसमें? आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो आपका स्टेटमेंट भी लेकर आई हूँ, मैं तो आपके स्टेटमेंट पर भी बात कर रही हूँ। सुनिए ना, जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है उस पर जवाब सुनने दीजिए, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी जब बारी आएगी आप बोलिएगा। मुझे बोलने दें, अब आप मुनव्वर फारूकी के भी आपको स्पोक्स पर्सन बना दिया है क्या, कांग्रेस पार्टी के नेता होने के साथ साथ? क्या कहा क्या नहीं कहा, वो संविधान के दायरे में थे या नहीं थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है। लेकिन जो टी राजा ने वक्तव्य दिया है, इसके बारे में बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, जो टी राजा ने किया है उसमें कानून के दायरे में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? डॉक्टर अजीज खान, अभी आपने कहा मुनव्वर फारूकी ने क्या कहा, कैसे कहा, इस पर कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। टी राजा ने जो कहा, क्या उस पर कानून के दायरे में कार्रवाई की गुंजाइश आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक हो तो हो ना, अभी इससे पहले नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई हुई, क्या वो अरेस्ट हुई, नहीं अरेस्ट हुई, किसने रोक लगाई, किसने रोक लगाई डॉक्टर अजीज खान, किसने रोक लगाई? नहीं नहीं सर, आप कुछ भी तो नहीं बोलेंगे ना सर? हाँ, मैं सुन रही हूँ सर, तथ्यों पर आइए ना सर। रोक लगाने के पहले क्या कार्रवाई? नहीं नहीं, रोक किसने लगाई, रोक किसने लगाई, रोक किसने लगाई? अरे भाई सुनिए ना मेरी बात, भाई सुनिए ना मेरी बात, मैं कह रहा हूँ ना
रोक अभी थोड़े दिन पहले लगाई, उससे पहले कार्रवाई हुई क्या? बीजेपी ने कार्रवाई किया? नहीं कार्रवाई किया। देखिए दो तीन बातें, देखिए बड़ी अहम बात है, हम इस पे पॉलिटिकली नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इस मुल्क में जो आपसी इत्तेहाद है इसको तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फिरका परस्त लोग हैं जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनसे होशियार रहने की जरूरत है, चाहे वो टी राजा हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे मुनव्वर फारूकी हो, ये जितने भी लोग हैं ये इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को खूबसूरत नहीं बनाना चाहते। समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान आपस में इत्तेहाद से रहे, आपस में रह करके इस मुल्क को खूबसूरत बनाए। ठीक है सर, मोदी जी लगातार मुजफ्फरनगर अपनी समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया, मुजफ्फरनगर दंगे भी याद आए, मुजफ्फरनगर दंगे भी याद आए, सुप्रीम कोर्ट भी याद आया, कार्रवाई को लेकर अभी आप सवाल कर रहे थे, तब कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठे थे वो भी याद आए। और अपने दर्शकों को बता दें, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफ तो पुलिस की गिरफ्त में टी राजा सिंह और दूसरी तरफ विरोध हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, वो भी आप अपने स्क्रीन पर दूसरी तरफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक तरफ भारी पुलिस बल की मौजूदगी, पुलिस फोर्स की मौजूदगी, ये एक में कोर्ट ले जाया जा रहा है और दूसरे में बाहर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी, एक तरफ एक्शन की बात की जाती है कि कानून अपना काम कर ले, मुनव्वर फारूकी, टी राजा सिंह भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो जाती है। आदिति, बात यह है कि आप मेरे साथ इंसाफ किया करो, पहले तो मैं आपसे शिकायत करूंगा। पिछले 47 मिनट में मैं बैठा हूं 47 मिनट से डिबेट में, और मुझे ये पहली बारी है बोलने की, और मैं कोई सुनने नहीं आता हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, थोड़ा सा इसका ध्यान रख लीजिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, और नहीं तो मुझे मत बुलाया कीजिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है। ठीक है मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, आगे से हम ध्यान रखेंगे सर। 6 पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हर पैनलिस्ट को एक ही बार बोलने का मौका मिला है सर, और बीच में हमने नहीं तो सबको एक ही बार मौका मिला है, आप अपनी बात चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे सर। ठीक है ठीक है जी। देखिए ये चलन बहुत गलत चल पड़ा है कि कोई भी छोटी सी बात को लेकर के किसी भी धर्म की पेशवा, वो पैगंबर साहब हो या भगवान शिव हो, उनके खिलाफ अपनी बात रखे। ठीक है देश में आज़ादी है, इतनी भी आज़ादी नहीं कि मजहबों के खिलाफ गुफ्तगू की जाए और दंगे और बदमाशियां की जाए, लेकिन मैं दो बातें आपको याद दिलाऊंगा। इस पर इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि अगर वाकईतन इस्लामी मुल्क है तो शरीयत का निफाज करना भी ये हुकूमत का काम है, ये निठल्ले और जाहिल और बकवास करने वाले लोगों का काम नहीं है। और टी राजा कौन है, क्या है, एमएलए हैं, विधायक हैं, वो तो लोग जाने, लेकिन जिस पार्टी में है उस पार्टी ने अपना किरदार अदा किया, उनको फौरन बर्खास्त किया, और जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ की स्टेट पुलिस ने, एजेंसी ने उनको गिरफ्तार किया और जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल की, ये बात। दूसरी बात यह है कि जो सर तन से जुदा की जो थॉट्स, एक सोच है, और जिस तेज़ी के साथ वो मुल्क में पनप रही है, आप ये देखिएगा कि एक पैनलिस्ट हैं कांग्रेसी आपके चैनल पर, किस तरह जिहालत और कानून से निडर होकर के वो करोड़ों लोगों जो जी टीवी को पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि वो वहाँ भी कानून हाथ में लेने से नहीं चूक रहे हैं, तो ये देखिएगा कि इन्होंने यूथ और नौजवान लड़कों की कैसी पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शादी थोड़ी देर पहले हमें जो तस्वीर आपको दिखाई थी, टी राजा सिंह को पेशी के लिए, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, और किस तरह से फोर्स का इस्तेमाल किया गया है पुलिस द्वारा, लाठीचार्ज किया गया, वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन पर, वो तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी, आप बात पूरी करें। जी जी, मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि हम जान दे सकते हैं, असल तो ये आपके टीवी चैनल पर दिखाने की बात हो रही है, ये जान लेने वाले लोग हैं, देने वाले लोग नहीं हैं। और ओवैसी साहब बड़ी चतुराई से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको आपको याद होना चाहिए कि जो आप अपने चैनल पर सर तन से जुदा के नारों की तस्वीरें दिखा रही हैं, उसमें एक असदुद्दीन की पार्टी का कारपोरेटर भी है जो सर तन से जुदा का, ना तो उनको उनके ऊपर असदुद्दीन ने कोई कार्रवाई की है, और ना कांग्रेस ने अब तक राशिद के खिलाफ कोई कार्रवाई की है,
और न वहां की पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, और इनका एक सेट एजेंडा है। आप राजा को आज फांसी पर लटका दो, कानून कुछ भी कर दे, पार्टी निष्कासित कर दे, भारतीय जनता पार्टी उसका जो चाहे करे, लेकिन इन्होंने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है कि देश में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी पर, आरएसएस पर, विश्व हिंदू परिषद पर थोप देना है, ताकि हिंदू और मुसलमानों की दूरियां बढ़ सके और हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और इनका एजेंडा पास होता रहे। आप ये देखिएगा किस कदर बेशर्मी, किस कदर जिहालत और किस कदर कानून को यानी एक तरीके से थप्पड़ दिखाते हुए ये कांग्रेस का लीडर जो यहाँ बैठ करके अभी गुफ्तगू कर रहा है, इससे कहो कि अपना चेहरा कम से कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो, अपने अखलाक कम से कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो, और इससे ये पूछिए क्या शरीयत यही कहती है कि क्या नबी के गुस्ताख का सर तन से जुदा हुआ? 1450 साल में ऐसी कोई तारीख है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नबी के गुस्ताख नहीं थे? क्या साहबा के सामने साहबा के नबी के गुस्ताख नहीं थे? जब तो सर तन से जुदा नहीं हुआ, जब तो किसी ने किसी के घर में आग नहीं लगाई, आप इस्लाम का कौन सा मैसेज देना चाहते हो? और ये कांग्रेस ने इस देश में 1 लाख से ज्यादा फसादात कराए हैं, 1 लाख से ज्यादा फसादात में करोड़ों लोगों ने, देशवासियों ने जान गंवाई है। हाँ, नहीं नहीं, जवाब लूंगा, मेरी बात सुन ले पहले। देखिए, तो आप इसी एजेंडे पर काम कर रहे हो, हैदराबाद जैसे शहर में आग लगा दो। आप बोलता लेना, अब आप सुनना, गौर से सुनिए। राशिद खान का ये मुतालिबा था, कल जो पुलिस कंप्लेन में दिया, तो मैं बोला मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूं, मेरे को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है कि राजा सिंह को हिरासत में लेके रिमांड में भेजा जाए, फास्ट ट्रैक के जरिए से अंडर ट्रायल भेजा जाए। मैं सर तन से जुदा की बात नहीं करा, मैं खतल की बात नहीं करा, मेरे को पूरा एतबार है अपने कॉन्स्टिट्यूशन आग लगाने की बात किसने की? इससे पहले राजा अभी बोल रहा था, अभी बोल रहा था बोल रहे थे तुम जैसे जाहिल मुसलमानों ने देश के मुसलमानों को जलील किया। राजा सिंह के ऊपर अभी जी पर बोला, आप रिपीट करा लो। अरे करोड़ों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, तुम जैसे लानत, तुम जैसे की बात है, हम मरने मारने को तैयार, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। देखिए, माजी में राजा सिंह के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुए, गौर से सुनिए। अगर से उसको रिमांड में नहीं लिया गया तो हम सड़कों में उतरेंगे, बोला मैं। सुनो, कानून आप बैठे, हम उसके बाद आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलने तो तब देंगे, बात सही होगी आपको बोलने तब दिया जाएगा, आप कोर्ट को डेडलाइन देंगे। कोर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं फिर वक्त राजा सिंह की बात कर रहा हूँ। राजा सिंह के ऊपर कई एफआईआर पहले दर्ज, सुनो दोनों एक दूसरे से बड़ा लीडर बनने के चक्कर में ये सोच रहे हैं कि अब्बा बन जाए, अब वैसे सोच रहे हैं कि अब्बा बन जाए। आप कोर्ट और पुलिस को नहीं नहीं क्या बताएंगे राजा सिंह के बनने से, पुलिस को डेडलाइन देंगे, पुलिस को और डेडलाइन देंगे कोर्ट को। डेडलाइन की बात नहीं है, हम इंसाफ की तलबगार हैं, हम डिमांड कर रहे हैं इंसाफ के लिए, हम डिमांड नहीं कर सकते क्या? आप अगर से ऐसे ये जो बंदा है गुस्ताख नबी है, इसको आप हिरासत में लेंगे तो हम कुछ बढ़ जाएंगे, हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो एतबार हमारा। आपने तो ये कहा कि जो आपने तो खुद ही कहा थोड़ी देर पहले कि घर में आग लगा देंगे, आप तो खुद ही कह रहे थे घर में आग लगा देंगे सर थोड़ी देर पहले। राशिद खान इसको रिमांड में नहीं भेजेंगे तो बोला मैं, कैसे आप किसी को कानून को गुलाम समझ रहे हैं क्या? आप कोर्ट कचहरी को गुलाम समझ लिया क्या आपने? कानून का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस गुलाम है क्या किसी के? देखिए मैडम, हम कानून के फैसले का इंतजार कर रहे ना, कोर्ट को लेके जाएंगे ना, अच्छा कानून के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, उसके बाद लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। रतन शाह का, उसके बाद सैयद असीम वकार, जल्दी जल्दी प्लीज। यहाँ हमारे नबी की बात आ गई तो जरा हेलो ध्यान से, नबी की शान में गुस्ताखी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बता दीजिए एक आवाज जिसे सपोर्ट किया, एक आवाज नहीं है पूरे देश में। और आप बैठकर क्या डेडलाइन दे रहे हैं पुलिस को, आप डेडलाइन दे रहे हैं अदालतों को, सर मत कीजिए ऐसा, बख्श दीजिए इस देश में कानून व्यवस्था, उसको काम करने दीजिए सर, काम करने दीजिए। रतन शारदा जी राशिद, आपने जितनी पोल खोलने थी कांग्रेस ने बदनामी करनी थी कर दी, अब जरा को ढंग की बातें सुन लीजिए।
पहली बात मैं सलाम करता हूं कासमी जी को, जो खुलकर बात करते हैं बिना किसी रख रखाव के, और राशिद खान को समझना चाहिए जब वो चिल्ला रहे हैं भाई उस इस्लामिक स्कॉलर पे चिल्ला रहे हैं, हमें और ऐसे स्कॉलर्स की जरूरत है। समाजवादी पार्टी बड़े उपदेश दे रहा था कि वही समाजवादी पार्टी है, अरे भैया अपनी नालायकी कितने दिखाओगे आप, प्लीज बस करिए आप, राहुल गांधी भी रोएगा आपकी बातें सुनकर, हालांकि उसने भी कहा था कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते, फिर भी शांत रहिए। समाजवादी ने पार्टी बैठे आप मंदिरों के पास चले आ रहे हैं, बात पूरी कर लेने दीजिए राशिद खान, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम तो जी हम सब चाहते हैं इस तरह का काम ना हो, इस्लामिक टेररिस्टों को यूपी के जेलों से आपने छोड़ने की कोशिश की कि नहीं, हाईकोर्ट ने रोका, ये आपकी गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमुना दोनों भारत की नदियां हैं, जब जमुना गंगा में मिलती है वो गंगा बन जाती है, वो जमुना अलग धार नहीं बहाती जिस तरह यहाँ पर राशिद खान जैसे लोग बहाते हैं। यहाँ एमआईएम वाले उपदेश दे रहे थे, इनके कैंपी ने कहा नूपुर शर्मा को सरेआम सड़क पर टांग देना चाहिए, एक इनके यूपी वाले जिन्होंने अनाप शनाप बका था इनका काउंसिलर आज बोल रहा है, और यहाँ पर ओवैसी साहब आके उपदेश दे रहे हैं। तो भैया ये हिपोक्रेसी छोड़िए, जिस दिन हिंदू बोलेगा मोहम्मद का अपमान नहीं सहेंगे, और जब मुसलमान बोलेगा भारत के हिंदुओं को भगवान का अपमान नहीं सहेंगे, उस दिन इस देश में सही सेक्युलरिज्म जाएगा। ये नकली सेक्युलरिज्म मत करिए, वनवे सेक्युलरिज्म मत करिए। मुनव्वर फारूकी को केसीआर ने लाया वो अब किसी बहस में नहीं है, केसीआर को कौन खड़ेगा कटघरे में, जिसने कहा मैंने जैसे पहले कहा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है जी, उनका हम स्वागत करते हैं, ये सारे आपके ऑपोजिशन के अलायंस वाले लोग हैं। तो जो गवर्नमेंट जानबूझ के शरारत करती है, आज हम कह रहे हैं कि अदालत को जला दिया भैया आपके आपके ही दोस्तों ने जलाया, आपने शुरुआत की, अभी जला नहीं आप जलाना चाहते हैं इसलिए सड़क पर तमाशे कर रहे हैं। शायद ऐसी मकार देखिए, रतन शारदा जी अपने को आरएसएस विचारक कहते हैं, और एक वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं विजय शंकर जी, मैं लेखक कहता हूँ, वो लिखने वाले लिख रहे हैं, अगर आप इतने ही आप नहीं नहीं मैं दोनों को कह रहा हूँ, सुनिए बोल, देखिए मैं बोलता नहीं किसी के बीच में, सुनिए क्या कहने जा रहा हूँ, देखिए क्या इससे अब जो बोलने जा रहा हूँ ज्यादा बुरा लगेगा आपको। आप एमपी को निकाला पार्टी से, आपने कॉर्पोरेटर को निकाला पार्टी से, आपने कहा कि यह गलत हो रहा है, हैदराबाद आपके काफी काशफ ने कहा कि हैदराबाद हमारी मुट्ठी में है, तो भैया आपकी मुट्ठी में आप रोक लेते मुनव्वर को, यहाँ के बड़े बयान दे रहे हैं आप कहते काशफ आपका नहीं हो, कहता सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ और वो भयंकर तरह के ट्वीट डाल रहा है, यहाँ किसको उपदेश दे रहे हैं? ठीक, जवाब लीजिए। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल जी शराब से भगवान की तुलना कर रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी, आप लोग ठट्टे लगा लगा के हंस रहे थे, और ये बैठे हैं विजय शंकर, ये भगवान से प्यार करते हैं अभी बोल रहे थे, कोई विरोध किया आपने? रतन शारदा जी विरोध किया? अगर आसिम वकार राज्यसभा में होते तो दौड़ कर जाते और नरेश अग्रवाल की जबान पकड़ लेते कि भगवान का अपमान कैसे कर रहे हो तुम, आप लोग बेशरम। सुनिए सुनिए आगे सुनो और सुनो आगे सुनो बात सुनो, स्वामी प्रसाद मौर्या ने भगवान का अपमान किया और तुम लोगों ने उसको बनाया कैबिनेट मंत्री और उसको 5 साल अपने साथ रखकर उसके मंत्रालय में रहकर उसके साथ दोस्ती निभाई, जवाब है नहीं, कितने लोगों ने विरोध किया है नहीं, तब बीजेपी और आज वही स्वामी प्रसाद बेशरम आदमी चुप, भगवान 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 को जो बुरा कहता है उसको तुम मंत्री बनाते हो, यहाँ बैठ के बकवास कर रहा है बदतमीज कहीं का, क्या किया शर्म नहीं आती है ना, आप मेरी हाँ में हाँ मिलाओ कि तुम लोगों ने गलत किया, आपके कॉर्पोरेटर को बीजेपी को बीजेपी देख लेगी, आप खुद का जवाब दो ना, जवाब दीजिए, आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं क्या? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप क्यों बुरा लग रहा है आपको? अरे सर मुझे अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं है, मैं तो दर्शकों के बारे में सोच रही हूँ कि आपसे सवाल का जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है, किसी को आप तमीज सिखा रहे हैं, किसी को आप शर्म करवा रहे हैं, किसी को आप इज्जत का ज्ञान दिला रहे हैं, किसी से आप कह रहे, सुनिए ध्यान से, आप कह रहे थे मैं जाके जुबान पकड़ लेता, तो सर इस देश में ना कानून व्यवस्था की फिर जरूरत है कि आप जाके जुबान पकड़ लेंगे लोगों की, आप कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना सर,
आपके लोगों ने कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे, ये हम और आप क्या लगा रखा है? करता हूँ जो लोग नहीं नहीं हम और आप क्या लगा रखा है बातें बोलते हैं। नहीं नहीं आप सुन लीजिए, मैं कंडम करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। आपकी पार्टी के एमपी को लेकर जो सवाल है उसका जवाब दीजिएगा मुझे। अच्छा आपसे तो कोई जवाब नहीं पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करते हैं प्लीज, वो सब जेल जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा सुनवा दीजिए। आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं, ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं। तो वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है, तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है, हैदराबाद पीसफुल है। इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहां पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है। बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स के की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लोरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चुकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। सैयद असीम वकार बार बार असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया, बीजेपी ने एक्शन लिया, टी राजा सिंह ने स्टेटमेंट दिया, बीजेपी ने फिर एक्शन लिया, तो बीजेपी खुद ही बयान दिला रही है और खुद ही एक्शन ले रही है। फिर नहीं देखिए बीजेपी, लेकिन आप मुझे फंसा के लाए, आप तो मुझे आपने सवाल घुमा दिया। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने भगवानों का अपमान किया उनको बीजेपी ने मंत्री क्यों बनाया, उनको सांसद क्यों बनाया? एक रिपोर्ट भी बीजेपी वालों ने या एक प्रदर्शन किया नरेश अग्रवाल के खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? आज स्वामी प्रसाद सपा में है, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी जो उन्होंने अपमान किया भगवान का, सीता जी का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी के एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे पूर्व उन्होंने। सर मैं आपसे जो सवाल कर रही हूं उसका जवाब नहीं है सर। कितने लोगों ने विरोध किया? नहीं मैं जो जवाब दे रहा हूं उसका जवाब आपके पास नहीं है। नहीं नहीं मुझे आपको जवाब, मैं आपके लिए अकाउंटेबल नहीं हूं सर। इसीलिए आप भाग रही हैं सवाल से, ध्यान से, और इसीलिए आपने बीजेपी को स्क्रीन से हटा दिया। ना ही मैं आया, इसीलिए आपने रतन शारदा को, विजय शंकर तिवारी को हटा दिया स्क्रीन से। सैयद असीम वकार सुनिए ध्यान से। अच्छा आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है असदुद्दीन ओवैसी से? आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोल दीजिए आज टीवी पर कि आप असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पार्टी में, बोल दीजिए। चलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। आपकी तकलीफ में समझ रहा हूं। नहीं 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 आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ, बताइए तो सही। आप अपनी पार्टी, आपकी पार्टी में AIMIM में सैयद असीम वकार असदुद्दीन ओवैसी से बड़े हैं, मुझे बता दो दीजिए। इतना आज दर्शक भी तो सुने, आपको अपने ही नेता को देखकर इतनी चिढ़ हो गई?
कि आपके नेता को टाइम दे दिया, या हमने पहली बार ऐसा पार्टी का प्रवक्ता देखा है कि उसके प्रमुख को वक्त दिया गया और वो कह रहा आपने मुझे टीवी से हटा दिया। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब है और मैं ओवैसी साहब को तो ये पता होना चाहिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए वो मेरे बॉस हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप भगवानों से इतनी नफरत करते हैं। नहीं नहीं, मुझे कि मैंने ये पूछा कि अगर भगवान की निंदा करने वाला आदमी मंत्री बनाया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, भागे जा रही है, जवाब ही दे रही है। सवाल है मेरे ऊपर, किस बात का डर है आपको? सवाल से भागने नहीं, क्यों डर रही है? भगवान की पैरवी कीजिए, भगवान के साथ खड़ी होइए। सुनिए, अगर आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, भगवान के साथ खड़ी होइए, भगवान की पैरवी कीजिए मैडम, तो सुन लीजिए ध्यान से। मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास चली जाऊंगी, मुद्दे आप बीजेपी के साथ मत खड़ी होइए। पार्टी में कोई बात नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे साबित करना है कि मैं भगवान के साथ पूजा करती हूं, मैडम किसकी पूजा अर्चना करती हूँ, क्या मुझे करना है, इसके लिए आपकी सलाह लीजिए। ध्यान से सुनिए, आपकी पार्टी ने इम्तियाज जलील पर क्या एक्शन लिया था, मैं ये पूछ रही हूँ। बीजेपी के साथ खड़ी होइएगा, आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया था उस एमपी पर जो विवादित बयान दे रहे थे, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नरेश अग्रवाल की बात कर रही हैं आप? मैं तो आप एआईएमआईएम में थे क्या? एआईएमआईएम में थे तो मुझे नहीं पता था। ये तो आपने नई बात मुझे बता दी है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन पर एक्शन लेना था, फिर तो आप और भी बड़खरे में आ जाएंगे। एआईएमआईएम के नेता है, मुझे नहीं पता था, ये तो बड़ी खबर है, ये तो बड़ी खबर है कि एआईएमआईएम के नेता है वो। मैं तो आपकी पार्टी के एमपी की बात कर रही थी, आपकी पार्टी के एमपी की बात कर रही थी। अच्छा, मुफ्ती वजाद काजमी, ठीक है सर, समझ में आ गया आपकी राजनीति, आपकी राजनीति समझ में आ गई। सवालों का जवाब है नहीं, सवालों का जवाब है नहीं तो इसी तरह से गोल पोस्ट नहीं मैदान बदल दिया जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुफ्ती वजाद काजमी वो तो पब्लिक ठीक है सर, हाँ वो तो पब्लिक देख ही रही है, पब्लिक ने देखा था मार्च में भी, उत्तर प्रदेश में आपको दिखाया था, देख नहीं रही है, खाली दिखाती भी है बताती भी है, दिखाती भी है बताती भी है सर, दिखाती भी है बताती भी है, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। कोई बात नहीं, आप मैदान बदल दीजिए, आप मैदान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं एक मैदान से दूसरे मैदान, कोई बात नहीं। मुफ्ती वजाद काजमी, रतन शारदा, प्लीज जल्दी 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 प्लीज। देखिए अदिति, बात ये है कि तस्लीम रहमानी के नुपुर शर्मा ने रिएक्शन दिया था, मनवर फारूकी पर टी राजा ने रिएक्शन दिया है, लेकिन जितना भी आप ये देखिए, ये सरतन से जुदा की जितनी भी तहरीक चल रही है, आप मुझे सिर्फ एक मुस्लिम संगठन का नाम बता दीजिए अपने टीवी चैनल पर कि जो रोड पर आकर जैसे सीएनआरसी में रास्ते रोक करके बैठा हुआ था कि किसी ने ऐसे रास्ता रोक करके बैठा हो और हुकूमत से ये मांग की हो कि हम इनको मुसलमान नहीं मानते, ये इस्लाम के खिलाफ नजरिया है, हम इनका बायकॉट करते हैं, आप इन पर कानूनी कार्रवाई करिए। टीवी पर बैठकर या गंगा जमनी तहजीब की झूठी और फ्रॉड बातें करेंगे सब, लेकिन वो खुश हैं सब, और ये सब इनके मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि यहाँ के हिंदुओं को डराया जा रहा है, यहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, और उनका सर तन से जुदा करके ये कहते हैं कि देखो अब इनके अंदर खौफ आ गया है, ये आपस में इस तरह के थॉट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से लेकर के ये तहरीक शुरू हुई और वो जिस थॉट्स के मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान में भी आदिति करोड़ों के हिसाब से हैं, करोड़ों, तो ये सोच कहां से आ रही है? असदुद्दीन ओवैसी का कारपोरेटर है जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहा है, उसको सस्पेंड करके क्यों नहीं उन्होंने जी को बाइट दी, उसको सस्पेंड करके क्यों नहीं उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट नजरिए के लोग हैं इस मामले में, और ये सरतन से जुदा को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये टीवी पर आकर के गंगा जमनी तहजीब की फरोड़ बातें करके अपने आप को सुरखरू और कामयाब समझते हैं। अब राशिद खान तो ये अच्छी बात है कि उसने अपने सारा चोला टीवी पर ही उतार दिया, और मैं फिर कहता हूं पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपके टीवी से मैसेज देता हूं कि इस्लाम का कभी ये नजरिया नहीं था, ना आज से 1400 साल पहले किसी मुफ्ती का कभी ये फतवा नहीं था कि गुस्ताखे नबी को सरतन से जुदा किया जाए, और अगर इस्लामिक रूल कहीं लागू भी है तो ये आम आदमी का काम नहीं है कि वो किसी को सजा देगा, ये हुकूमत का काम है, हाकिम का काम है, काजी का काम है, ये सब अपने हाथ में कानून लिए क्यों घूम रहे हैं? ये इन पर देशद्रोह की धारा में मुकदमे दर्ज होकर इन सबको जेल होनी चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के मुसलमानों का मुकम्मल बायकॉट होना चाहिए। ठीक है राशिद खान, देखिए आप जनाब जो बयान अभी दिए हैं तोड़ मोड़ के, मुफ्ती वजाहत कासमी, मुफ्ती साहब जो है तोड़ मोड़ के बयान दे रहे हैं इस्लाम के बारे में, झूठा यार, तो भाई बहरहाल मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे को इस्लाम अच्छा सुनो, इनसे पूछो ये इस्लाम के बारे में जानता क्या है, बस ये बताओ इस्लाम के बारे में क्या जानता है, नमाज सुनाएगा टीवी पर, मुफ्ती साहब नमाज सुनाएगा टीवी पर, ये सस्ती शोहरत के लिए किसी के घर में आग लगाएगा,
या सस्ती शोहरत के लिए किसी के घर में आग लगाएगा? तुझे नमाज भी याद नहीं है, वजू के फर्ज भी याद नहीं, गुसल के फर्ज भी याद नहीं निकलेंगे यार। जज्बात आपके पास है कि हमारे जज्बात मुसलमान है। और मैडम क्या सवाल मुनव्वर फारूकी का नहीं है? नबी का अपना चेहरा नबी से मिला तो कम से कम नबी जैसा किरदार तो बना, नबी जैसा। अरे नबी के ऊपर तो बुढ़िया कूड़ा गिरती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खिदमत करते थे, और तू लोगों के घरों में इस्लाम के नाम पर आग लगा रहा है, कैसा मुसलमान है? अपने किरदार में झांक रहा भाई। कांग्रेस ने इस देश में आग लगाने के सिवा कुछ किया हो तो बताओ मुझे। पिछले 70-75 सालों में देश में कांग्रेस ने आग लगाई है, और तुम उसी सोच का उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इतने वर्षों में टीवी पैनल पर एक आध मौलाना ऐसे आए हैं, अभी आजकल एक और भी हैं जो बार बार ऐसे एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम के दावेदारों को विरोध करते हैं स्पष्ट रूप से। इंडोनेशिया के अंदर नदातुल उलामा नाम की एक संस्था है जो आज से 90 साल से पहले से चल रही है, इस्लामिक देश था, पहले हिंदू था, बौद्ध था, अब इस्लामिक है। उनकी लगातार कोशिश है कि वहां के समाज को प्रोग्रेसिव बनाएं, वहां के समाज को पढ़ाएं लिखाएं, महिलाओं का उत्थान करें और रेडिकलिज्म को रोकें, और इतने सफल है कि उनको मलेशिया में लोग बुलाते हैं, उनको लोग थाईलैंड बुलाते हैं। ऐसा मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ ऐसे जो मौलाना हिम्मत करके बाहर आए, ऐसी संस्थाएं खड़ी करें ताकि मुसलमानों को बहकावे से रोका जा सके और राशिद खान जैसे लोगों से बचाया जा सके। इसी पॉजिटिव नोट पर मैं डिस्कशन क्लोज करूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।